दोस्तों सत श्रीकाल, मैं मनजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और पहेवा के अंदर एक मामला है जो वो बहुत गुरमाया हुआ है कि जो बीजेपी नेता है और इनेलो नेता गगन संधु है और बीजेपी नेता तरुण वड़ैच है, तो उनका आपस के अंदर कुछ झगड़ा हुआ है, हत्तापाई हुई है और जो गोलियां तक चली हैं, फायरिंग हुई है, तो क्या कुछ पूरा मामला है तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने के लिए अभी पहुँचे हैं। और ये आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हो, ये गुमथड़ा गडू गगन संधु के घर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अभी जो उनके समर्थक हैं और वो खुद हैं और काफ़ी सारे पत्रकार मीडिया साथी बुलाए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो क्या कुछ पूरा मामला है तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि जो ये झगड़े की वजह बताई जा रही है, क्या कुछ वजह है पूरी, तो उसके बारे में अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सवाल जवाब किए जाएंगे, तो उसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो हम लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है। गोली चलाने का आरोप लगाए गए हैं, तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, सरासर जो आरोप हमारे पर ये तरनदीप सिंह लगा रहा है ये झूठे हैं, और इसकी इंक्वायरी के लिए हमने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन आज डाल दी है। इससे पहले हम जो भी सुलह सहमति कराने वाले लोग थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन कल तरनदीप सिंह के जवाब आने के बाद फिर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि हम अपना पक्ष भी आपके सामने रख सकें। सरकार के दबाव में अफसरों ने जो कार्रवाई की है उससे हम नाखुश हैं। गोलियां गगनजोत के ऊपर चली हैं, ना कि गगनजोत ने तरनदीप सिंह पे चलाई हैं। उसके घर के पास एक सरकारी गली का निर्माण हो रहा है, जिसकी शिकायत वहां के जो गली से गुजरते हैं लोग और जिनकी ज़मीन से वो गली बन रही है उन्होंने लिखित रूप में दी थी। मौजूदा गांव का सरपंच होने के नाते गगनजोत वहाँ पर मौके पर मौका देखने गया था। ये वहाँ मौके पर अपनी फ़ोन के द्वारा वीडियो बना रहा था, जब तरनदीप सिंह ने पीछे से आकर इसका फ़ोन छीन लिया, तो छीना झपटी में, धक्का मुक्की में ये आपस में इनका जो भी कहना सुना और झगड़ा हुआ है, उसके बाद तरनदीप सिंह अपने घर को भागा और उसने वहाँ से अपना लाइसेंसी वेपन लेकर इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पांच फायर किए जो आसपास के पड़ोसी के जो डेरा हैं उन्होंने सुने, और इसके बाद हम एप्लीकेशन देने के लिए थाना में पहुंचे, लेकिन हमारा थाना में एप्लीकेशन लेने से पहले ही इसकी कंप्लेंट पर 307 लगाकर गगनजोत सिंह पर FIR दर्ज कर दी गई। ये सरासर बेन्यायी है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस केस की उच्च अधिकारियों के द्वारा छानबीन की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो इसमें जी कोई ही ना कहीं सुलह के भी कोई प्रयास किए जा रहे हैं, जो वो कहां तक? हमारे पिता सदा ही राजनेता से ज़्यादा पंचायती रहे हैं। यहाँ का कोई घर, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर बड़े से बड़े मसले को उन्होंने पंचायत से हल किया गया। उनका कहना था भी चाहे कितना मर्जी झगड़ा हो जाए, एक खिड़की सुलह के लिए खुली रहनी चाहिए। उसी के आधार पर हमने सुलह का एक दरवाज़ा खुला रखा था। जो बीच में बातचीत चल रही थी वो हमारी आज ख़त्म हो चुकी है। कुछ स्थानीय साधु संतों ने ये बात चलाई थी जिसमें बाबा जी मांडी वाले भी डले थे, लेकिन वो बात अभी तक सिरे नहीं चढ़ी। और फिर हमने अपनी कानूनी प्रक्रिया में जो भी कार्रवाई होती है वो आज हमने चालू कर दी है। इससे पहले हम अपने घर बैठे हुए थे, हमने कोई बयान नहीं दिया, कोई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डाला, लेकिन आज हमारा पक्ष लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसीलिए आप सब भाइयों को बुलाया और अपना पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। जो तरुण वड़ैच जी बोल रहे हैं कि जो गाड़ी लेके आए उसके पीछे जो उन्होंने बयान दिए हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है जी। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस ने अपनी जो भी छानबीन की है
उसमें साफ स्पष्ट पता लग जाएगा भी गाड़ी कहाँ है। मेरे को तो ये भी पता लगा है भी जो गाड़ी के निशान उन्होंने देखे हैं, उन्होंने खुद आके तरनदीप सिंह से पूछा है भी गाड़ी की स्लिप बैक की तरफ बजी हुई है। आप तो कह रहे मेरे पीछे गाड़ी लेके ये भाग गया है, लेकिन गाड़ी बैक को रिवर्स हुई हुई है स्पीड में, ये मौके पर पुलिस वालों ने देखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिनके नाम लेके तरनदीप सिंह ने FIR दर्ज की है, उसमें से एक ये मेरे चाचा जी हैं राजपाल सिंह, मेरे फादर के छोटे भाई हैं। ये उस वक्त मौके पे यहाँ गांव में तो छोड़ो स्टेट में भी नहीं थे, ये पुष्कर गए हुए थे, ये सुबह ही निकल गए थे। रस्ते में मेरे को फोन आया कि ऐसे झगड़ा हो गया। तरुण द्वारा जो वेपन जमा करवाया गया, तरुण का कहना है कि ये जसदेव संधू का था, उसके आसे मैंने छीन के जमा करवाया है, तो वेपन क्या इनका था या वो आरोप लगा रहे? वो नाम गगन संधू का ले रहा है, लेकिन वो गगन संधू का वेपन नहीं है, उसकी जांच हो जाएगी। हमारे वेपन सारे इस वक्त जमा है, एक हमारे पास लाइसेंसी हथियार जरूर हैं लेकिन वो जमा है, हमने एक भी लाइसेंसी हथियार बाहर नहीं रखा। वो किस जैसा कि पिछले दो दिन से अखबारों के अंदर भी मीडिया के ऊपर चला हुआ है भाई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो हमारा बहुत पुराना परिवार है, सरदार जसविंदर सिंह संधू जी, उनके बेटे गगन सिंह संधू जी जो कि गांव के मौजूदा सरपंच भी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से ये दबाव की राजनीति के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं संधू परिवार को एक बात कहना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता ना कभी दबा है और ना कभी दबेगा। जिस प्रकार से यहाँ के मंत्री और ऊपर के जो इनके अफसर बैठे हैं उनके इशारे पर ये पर्चे दर्ज करे गए हैं परिवार के ऊपर, गगन संधू के ऊपर ही नहीं उनके चाचा जी के ऊपर भी करवाए गए हैं, एक अन्य के खिलाफ भी करवाए गए हैं जो कि मौके पर भी नहीं थे और यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर भी नहीं थे। जो यहाँ मौके पर ना होकर के गाँव में ना होकर के मौके पर भी ना होकर के दूसरी स्टेट में हैं, उनके ऊपर झूठे पर्चे दर्ज करवाए गए हैं, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो उचित कार्रवाई है, जिन्होंने गोली चलाई है गगन संधू के ऊपर, उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा जी आपकी? बिल्कुल पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, कोई भी अगर सरकार का नुमाइंदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाएगी तो पूरी मजबूती के साथ लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा रहेगा। आज पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संधू परिवार के साथ है, गगन भाई साहब के साथ है,